हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक से मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है ये उसके लिए है जो किसी न किसी एक जॉब में है बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रोफाइल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम सब सबसे ज्यादा जो टाइम देते हैं वो अपने प्रोफेशन पे देते हैं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ का जो 20 आवर्स है उसको जस्ट कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्स 8 आवर्स हमारे चले जाते हैं वर्क में। जिस भी काम में हैं उस काम में हमारा 8 घंटे चला जाता है, लगभग 8 घंटे सोने में चला जाता है, 8 घंटे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में चले जाते हैं, ट्रैवलिंग है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम सबसे ज्यादा जो सिक्योर टाइम दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, सबके अपने अलग अलग थोड़े बहुत, लेकिन अप्रॉक्स 8 घंटे हम लोग अपना किसको दे रहे हैं? प्रोफेशन पे दे रहे हैं। अब अगर ये प्रोफेशन हमारे इंटरेस्ट का है, ठीक है, हम जिस प्रोफाइल में चाहते थे हम उसी प्रोफाइल में है, तब तो हमको जो भी हमारी लाइफ है उसमें हम सेटिस्फाइड होते चले जाते हैं, सेटिस्फाइड आ रहे हो, ठीक है ना, जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूँ, ऐसा फील होने लगता है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, आप फंस चुके हो एक तरीके से कि यार अभी इतनी सैलरी दूसरे प्रोफाइल में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर अभी नहीं चेंज करोगे तो इन फ्यूचर आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। कैसे? अभी सैलरी सपोज आपकी कितनी है, 25,000 है। अब आप सोच रहे हो कि दूसरे प्रोफाइल में जाऊंगा तो 12,000 या 15,000 से स्टार्ट करना पड़ सकता है, तो अभी तो केवल 10,000 का वेरिएशन है, ठीक है। आप अपने मन को मार के 25,000 के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विद दैट 25,000। एंड द प्रॉब्लम इज आफ्टर 1 or 2 years और 3 years व्हेन यू गॉट द सैलरी इज 40,000। 40,000 जब सैलरी आप पाने लगोगे फिर क्या होगा? फिर भी आप, उसके बाद क्या होता है कि जिसमें हमारा कैरियर में इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें ग्रोथ हम धीरे धीरे अपनी जीरो कर लेते हैं, क्योंकि हम मन से तो करते हैं नहीं, पैसे के लिए करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट उसमें तो रहेगा नहीं बिल्कुल भी। एक तो आप बोर होते रहेंगे काम से, ऊपर से अब देखेंगे 40 के बाद आ जाएगा 15, मतलब बहुत नीचे चले गए हम तो। अब आप कैरियर को चेंज भी नहीं कर सकते। तो जितना जल्दी हो सके आप उस प्रोफाइल में शिफ्ट करने की कोशिश करो। ये सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए है कि आप किसी भी प्रोफाइल में हो, ठीक है, मजबूरी वजह आपने कभी कहीं पर भी कॉल सेंटर में ही नौकरी कर लिया था, कहीं पे भी किया था, बट जल्दी से अपनी प्रोफाइल को चेंज कर लो, क्योंकि अगर अभी नहीं चेंज करोगे तो इन फ्यूचर जरूर चेंज करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्किल्स हैं जिनको सीखो, सीख के उसके बाद अब आराम से कहीं से भी अप्लाई करना स्टार्ट करो। आपकी एक जॉब तो चल ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि आप उन बेचारों की तरह हैं जो बिल्कुल भी बेरोजगार हैं। आपकी एक जॉब चल रही है ना, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की जॉब चल रही है, जो एक्स्ट्रा 8 घंटे होते हैं आपके पास उसको थोड़ा सा निचोड़ के उसमें से 3-4 घंटा पढ़ने के लिए लगा दो। और बिलीव करो, अगर आप पढ़ने के लिए 3-4 घंटे लगा देंगे 2 से 3 महीने, ठीक है, जिसमें से अगर आप अप्लाई करते बैठेंगे 2 से 3 महीने में आप अपनी जिस प्रोफाइल को चाहते थे, जिसमें आपका ड्रीम होता था कि भाई इसमें मैं करूँगा, आराम से हो जाएगा। तो जितना जल्दी जो कर लेगा उतना वो बेनिफिट में, ठीक है। सपोज वीडियो अभी देख रहे हो तो तुम अभी से तुम प्लान कर सकते हो कि यार अभी हम ऐसा कुछ करें क्या कि प्रोफाइल हमारी धीरे धीरे चेंज होने लगे। साइट पर है बच्चा, वो थक चुका है, उसको कई लोगों ने समझा दिया था कि साइट बहुत वो है, ये है, इसमें लेआउट ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ नहीं रहता, उसको सब पता है कि यार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने दूसरों के बहकावे में ये काम कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम उसको धीरे धीरे स्ट्रक्चर की तरफ, बीम की तरफ तो ले आके शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट कर लोगे तो क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा ड्रीम आ जाएगा, यार मैं जो चाहता था वो मैं करता था। बिलीव करो, जो यहाँ पर तुम 5 साल में 40 पहुँचते वो अगर तुम अपने इंटरेस्ट वाला काम करोगे तो 5 साल में तुम 80 से 85,000 रुपए तुम ऐसे अर्न करोगे बाय सैलरी। उसके अलावा तुम्हारा मन तो रहेगा ना, इंटरेस्ट है मेरा, तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो तुम एक्स्ट्रा काम करके, सिविल इंजीनियरिंग में एक्स्ट्रा वर्क बहुत मिलता है, ध्यान देना, एक्स्ट्रा काम करके कम से कम 35,000 से 40,000 रुपए कमाने लगोगे। मतलब तुम 5 साल में, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 1,20,000 1,30,000 मिनिमम अर्निंग करोगे अगर तुम अपने इंटरेस्ट वाले एरिया पर वर्क करना स्टार्ट करोगे तो। तो ये मेरा टिप्स था, मुझे इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि बच्चे ने मुझे शेयर किया कि सर मेरी सैलरी 30,000 है और मुझे इस मतलब अपने प्रोफेशन में जिसमें भी हूँ मैं, एक्चुअली वो साइट पर है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट प्रोफाइल, तो कैन आई स्विच, तो क्या मुझे ये सैलरी मिलेगी? बेशक ये सैलरी नहीं मिलेगी, तुम्हें 30 मिल रहा है तो यहाँ हो सकता है 20-15 में स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मतलब अप्रॉक्स 6 months to 1 year आप हो सकता है 30, और जरूरी नहीं 30 क्योंकि आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत बड़ी एमएनसी के भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो आफ्टर 1 year। तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे पैकेज पे जा सकते हो, 4.6 4.2 इस तरह के पैकेज भी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत से अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आपको देखना है तो साईटेक इंजीनियर्स में जाओ, ठीक है, अभी मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा बट मुंबई की कंपनी साईटेक इंजीनियर्स,
ठीक है 4.6 फ्रेशर्स को पैकेज है जो कि बीटेक किए हुए हैं, 5.6 है जो कि एमटेक किए हुए हैं फ्रेशर्स को, लेकिन उनके इंटरव्यू भी उस लेवल के हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो को भी देखिएगा, इस वीडियो को तो आपने देखा। थैंक यू सो मच, एंड अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।